नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में IRCTC रेलवे की तरफ से आपको एक न्यू अपडेट देने वाला हूं। और दोस्तों रेलवे ने 50 से भी ज़्यादा नई स्पेशल ट्रेन चलाई है, तो कौन कौन सी ट्रेनें हैं, किस रूट पर चलाई जाने वाले हैं, आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों मैं इस चैनल पे IRCTC रेलवे से अपडेट और न्यू ट्रेन के बारे में जानकारी देते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपडेट की तरफ और देखते हैं कि वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो नई ट्रेनें चालू की गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप आ जाएंगे नॉर्थ रेलवे के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे और यहाँ पे आप देखेंगे ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि रेलवे ने कुछ नई स्पेशल ट्रेन चालू की है जो कि 50 से भी ज़्यादा ट्रेनें होने वाली हैं। अब इस फोटो को सिंपली आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद आप देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन सी ट्रेनें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे इन ट्रेनों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी ट्रेनें हैं, इसके बाद ये ट्रेनें किस डेट में चलाई जाने वाली हैं यानी किस दिन को चलेंगी, और यहाँ पे दिया गया है ये ट्रेनें किस डेट से चलने वाली हैं, जो कि ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाएगा 18, 15, 14 इसी डेट से यानी जून से ये ट्रेनें चलने वाली हैं। टोटल यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा ट्रेनें होने वाली हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम सबसे पहले ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से हज़रत निज़ामुद्दीन से चेन्नई सेंट्रल के लिए अप डाउन दोनों दिशा में चालू की गई है। दूसरी ट्रेन की बात करें तो नई दिल्ली से देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस विशेष ट्रेन प्रतिदिन चलने वाली है, जो कि 15/6/2021 से अगले आदेश तक ये ट्रेन चलाई जाने वाली है अप और डाउन दोनों दिशा में। इसी तरह से अगली ट्रेन निकल के आ रही है जो कि नई दिल्ली से उन्नाव के लिए चलने वाली है, हिमाचल जनशताब्दी एक्सप्रेस है और ये प्रतिदिन चलने वाली है, जो कि अप और डाउन दिशा में ट्रेन चालू की गई है और 14/6/2021 से ट्रेन स्टार्ट कर दी जाएगी, 15 को ये डाउन दिशा में स्टार्ट की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट काफ़ी लंबी है, अगर मैं एक एक ट्रेन यहाँ पे कवर करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस फोटो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ से क्लिक करने के बाद इस फोटो को डाउनलोड कर पाएंगे और सारी लिस्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो दोस्तों ये जो ट्रेनें हैं ये कोविड के बाद कैंसिल की गई थी और इन्हीं ट्रेनों को बहाल किया गया है यानी इन्हीं ट्रेनों को फिर से चालू किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरा अपडेट की तरफ जिसमें से रेलवे ने नई स्पेशल ट्रेन चालू की है। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी ट्रेनें हैं और यहाँ पे आप देख पाएंगे रेलवे ने फिर से कुछ नई स्पेशल ट्रेन चालू की है, इन ट्रेनों की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली ट्रेन की बात करें तो ये जो ट्रेन है ट्रेन नंबर 1057 ये ट्रेन चालू की गई है और ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से अमृतसर जंक्शन के लिए स्पेशल ट्रेन चालू की गई और ये ट्रेन प्रतिदिन चलने वाली है अप और डाउन दोनों दिशा में, यहाँ पे इन ट्रेनों के सारे स्टाफ दिए गए हैं। इसी तरह से अगली ट्रेन निकल के आ रही है जो कि प्रयागराज जंक्शन से उधमपुर के लिए ट्रेन चालू की गई है और ये ट्रेन दोस्तों चलने का जो दिनांक है ये प्रयागराज जंक्शन से दिनांक 14/6/21 को ये ट्रेन चलेगी सोमवार, तथा जब ये डाउन दिशा में चलेगी यानी ये चलेगी उधमपुर से तो 15 को स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे इन ट्रेनों के पूरे स्टॉप दिए गए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों अगली ट्रेन निकल के आ रही है ट्रेन नंबर 051 और 051 62, ये ट्रेन दोस्तों मड़ुआडी से मुजफ्फरपुर के लिए ट्रेन चालू की गई है यानी बनारस से बिहार के लिए ट्रेन चालू की गई है, इसका ट्रेन नंबर 051 62 और 051 61 है। ये ट्रेन दोस्तों 7:25 को चलने वाली है मड़ुआडी से और मुजफ्फरपुर से ये ट्रेन चलेगी 18:09 पे, जो कि ये ट्रेन मड़ुआडी मुजफ्फरपुर के प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को ये ट्रेन चालू की गई है और ये 14/6 से अगले आदेश तक ट्रेन चालू की गई है यानी 14/6 से अगले आदेश तक ये ट्रेन चलाई जाने वाली है। इसी तरह से दोस्तों अगली ट्रेन निकल के आ रही है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कोल्हापुर के लिए चालू की गई है, अगली एक ट्रेन चालू की गई है मड़ुआडी से यानी बनारस से नई दिल्ली के लिए चालू की गई है, एक और ट्रेन चालू की गई है जो कि सहरसा जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेन चालू की गई है लोकमान तिलक टर्मिनस से वाराणसी के लिए, जो कि मुंबई से वाराणसी के लिए ट्रेन चालू की गई है, ट्रेन नंबर 042040 042। यहाँ पे दोस्तों इन ट्रेन के चलने की दिनांक की बात करें तो ये जो ट्रेन है 11/6/13 को ये ट्रेन चलने वाली है, तथा लोकमान तिलक टर्मिनस से जब ये ट्रेन चलेगी तो 12/6/14 को ये ट्रेन चलने वाली है। अगर यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन के स्टॉपेज की बात करें तो प्रयागराज छिवकी सतना कटनी जबलपुर इटारसी भुसावल जंक्शन नासिक रोड एवं कल्याण स्टेशन इस ट्रेन में का स्टॉप दिया जाएगा। इस ट्रेन में दोस्तों 3 टीयर सामान्य एवं द्वितीय श्रेणी यानी 2 सीटिंग की सुविधा दी गई है। अब इन ट्रेनों की बुकिंग के लिए आप चाहें तो IRCTC वेबसाइट पे देख सकते हैं या फिर आप PRS काउंटर से इन सभी का टिकट ले सकते हैं।
तो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में यही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।